दोस्तों, मैं आज ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है माही, जिसने मुझे कॉल किया था और मेरा वीडियो देखती है प्रत्येक दिन। मेरा कोई दोस्त ज़्यादा व्यूवर नहीं है जो आपको बोलोगे जो मिलियन है सबका, ऐसा कुछ नहीं। मैं पर्सनली पहले बनाता था, लेकिन लोग देखने लगे हैं तो अच्छा लगता है। जो ही देखते हैं बहुत उसी खुशी मिलता है, रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग। तो उनसे बात किया हूँ तो वो बोल रहे हैं मैं आपका वीडियो देखता हूँ रुपेश, लेकिन मेरा कुछ परेशानी वो अपना बताएं जो आप उसको शेयर करो लोगों के समझ, अपने तरीक़ा से बताओ जो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, नहीं फ़ायदा होता है। तो मैं उसी पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये नहीं बताऊँगा कि किनके घर का मीटर हो या नहीं, ये परसेंटेज घर का भी वही हाल है। तो दोस्तों, मैं टाइम नहीं लेप्स करूँगा, मैं आप उस चर्चा पे विषय पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कभी भी इंसान का परसेंटेज घर का, देख नए नए शादी होता है, दो भाई हो या तीन भाई हो, दो भाई का अगर हो गया छोटा ही होता है तो उनका शादी हो जाता है, पारिवारिक मूवमेंट अपना तालमेल ठीक नहीं रहता है तो अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो बहुत लड़के होते हैं एक्सेप्टेड करते हैं उस चीज़ को, झगड़ा झंझट नहीं करके अपने भाई कमाने वाला जो होता है वो एक्सेप्टेड करके अपना नया लाइफ को स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लड़के होते हैं जो लड़की को बच्चलन बच्चूल या बहुत प्रकार का बात बोलते हैं, तुम्हारे आने से ये हो गया वो हो गया ये सब बोलते हैं। तो मैं उस लड़के को, उस प्रकार के सोच रखने वाले इंसान को बोलते हैं, आप ज़रा सा भी अगर शर्म है तो चूड़ा भर पानी में जाकर डूब मारो। कौन आया, किस लिए आया, नहीं आया, इससे तुमको क्या लेना देना है। आप किसी लड़की से शादी करके लाते हो तो जब आप एक लड़की का पेट नहीं पाल सकते हो तो आप किस चीज़ के लड़के हो। मैं मानता हूँ वो शादी हो के आई, घर में अलग हो गया, हो सकता है आपका घर का ही प्रॉब्लम हो। इतिहास गवाह है, जब राजा से भगवान तक जब साथ में नहीं रह पाए तो हम इंसान का क्या औकात है। होता है, बहुत जगह होता है, कोई देर से होता है कोई लेट से होता है, लेकिन अलग तो सब होता है। तो दोस्तों, जब भी ये प्रकार का परेशानी आए तो कोई भी झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए किसी इंसान से। झगड़ा झंझट करने से क्या फ़ायदा। मान लीजिए अगर आपको भाई या कोई अलग ही करना चाहता है, अलग कर ही दिया, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, आप अपने बलबूते पे अलग हो, बस यही सबसे बात करो, सबसे मिल के रहो, सबसे कुछ करो। अपने दम पे लाए हो किसी को तो अपने दम पे काम करो, अगर आप नहीं उस पैसा में सक रहे हो तो डबल मेहनत करो, क्योंकि पैसा तो लेडीज देगी नहीं। तो ये तमाम सारे घर का यही प्रॉब्लम है, माने कि है हर घर का यही है, लेकिन हर घर के लड़के ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लड़के इतना एक्सीलेंट दे तो अपने आप जो परेशानी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब आप जब आपके पास आता है तो ये मत सोचो जो आप नीचे गिर रहे हैं, बल्कि ये सोचो जब परेशानी आपके साथ आई है तो वो कुछ ज़्यादा आपको दिलाना चाह रही है। क्योंकि अगर परेशानी इंसान के पास नहीं आए तो सोचने का शक्ति भी कम हो जाए, मेहनत भी नहीं करेगा ज़्यादा। तो परेशानी हर इंसान के पास आता है तो ना ज़्यादा मेहनत करता है तो कुछ ज़्यादा अर्जित होता है। तो आप उसके लिए परिवार से या किसी से क्यों विवाद करना है, आप जो चीज़ है उसको एक्सेप्टेड करो। तो मेरा यही बस आप लोगों से कहना है, जब भी ऐसा, मतलब उसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता, ना घर का किसी में भी भाई का दोष होता है। मान लीजिए नहीं सोच बैठा, नहीं कुछ बैठा, बल अच्छा है बातचीत से अलग हो गए, अच्छा है। वही चीज़ झगड़ा झंझट करने से क्या फ़ायदा। आप जब अलग हो गए हैं तो आप दिमाग में बैठाओ जो मुझे कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे लाइफ जीना है, उस प्रकार का जीनो। आप अपने पिताजी को देखो ना, एक पिताजी चार बच्चे को, माता पिता सबका भरण पोषण, हर चीज़ आपको पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करते हैं, और आप नए नए लड़के, एक लड़के हो के आप अपनी वाइफ को नहीं खिला सकते हो। माता पिता को तो छोड़ो, भाई बहन दू को तो छोड़ो। तो जब आप इतना ही नहीं कर सकते हो तो लड़के में जन्म लेके आप क्या कर रहे हो। परेशानी आपके साथ ज़्यादा नहीं है, आपसे ज़्यादा परेशानी है यार। इतना परेशानी होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने आप को खुश रखना पसंद करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, जो टाइम मिलता उतने में अपने आप को समेट रखा हूँ। तो परेशानी अब सोचते हो जो मेरे ऊपर ऐसा आ गया, यार ऐसा नहीं है। भारत के हर इंसान के पास परेशानी है, जिसके पास शॉप है उसको पास भी परेशानी है, उसका शॉप नहीं चल रहा, वो ब्याज पे पैसे ले रखा है, जिसका जॉब है उस प्रकार का सैलरी नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये सब सबके साथ है, सबके साथ दुखरा रोने से क्या क्या फ़ायदा। या हर इंसान के पास परेशानी आता है, उसको सोल्यूशन निकालना आपका काम है, आप कैसे निकालोगे, कितना मेहनत करना है, तो वो आप पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त।
अब इसी चीज़ के लेके आप विवाद करोगे या कुछ करोगे तो क्या होगा? अगर लड़की माने किसी भी घर का किसी को ज़्यादा परेशान करने से क्या होगा? उसका एक ही ऑप्शन बचेगा, अपने माँ के पास जाएगी, नहीं तो सुसाइड करेगी। और स्वाभिमान लड़की होगी तो माँ के पास जाएगी नहीं, अपने आप को ही मिटा देगी। तो मिटा देने से क्या आप उसका जान लौटा दोगे? नहीं लौटाओगे। एक दिन आप खुद अपने आप मिट जाओगे। कारण क्योंकि आप कमाना नहीं चाहते हो, तो ये विवाद होता है। अगर कमाना चाहते हो तो आप खुद बोलते हो चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अपने एक ही घर में सब लोग अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे। तो बात बात करने के लिए तो दोस्त बहुत सारे समय लग जाते हैं, इसलिए दोस्त छोटा सा ही वीडियो छोटा सा ही शब्द है मेरा, लेकिन आप समझ सकते हो तो इस बात को लड़के लोग समझ भी जाओगे, क्योंकि कैसे किसी के साथ कुछ बुरा मत कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें होंगे। थैंक यू दोस्त।